हाय सभी को। आज के दिन मैं ब्लैक बीन्स का चाट जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्वारंटाइन कुकिंग है, सो जो भी घर में है उसे इसे मुझे चलाना है, उसी से मुझे करना है। है दूसरी चीज़ें, बट मैं चाहती थी कि लोगों को समझे कि कुछ भी ऐड करके आप चाट जैसा बना सकते हैं, अगर आपको चाट खानी है तो। और मुझे खानी है, समर है, आई वॉन्ट थिंग्स टू बी अ लिटल लाइट। और आज मैं ड्रेस्डअप भी नहीं हूँ, कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा था। रियली सच बताऊँ तो कुछ कुकिंग भी करने का मन नहीं हो रहा था। एनीवे, सो मेरे पास ये ब्लैक बीन्स का कैन था। नॉर्मली कैन फूड नहीं खाना चाहिए एंड आई डोंट एम नॉट प्रमोटिंग इट। मुझे कैन फूड नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल, पर आज मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। सिर्फ एक कैन खोला और कुछ सेटअप किया और खा लिया। ऐसा जस्ट ऐड करना था चीज़ें और खा लेना था। एनीवे, सो ये ब्लैक बीन्स है, तो मैंने ब्लैक बीन्स को फिर भी कुक किया था बिकॉज मुझे थोड़ा सॉफ्टर अच्छा लगता है। आई लाइक टू कुक इट, इवन कैंड बीन्स में थोड़ा कुक करती हूँ, बाद में खाती हूँ। तो ये है, और फिर इसमें मैंने कैरेट्स डाले हैं और हालोपिनो में मैंने हालोपिनो पेपर एक डाला था और उसको कुक किया था और थोड़ा सॉल्ट डाला था। आप जिस तरह से करना चाहते कर सकते हैं, और मेरे पास जो जो चीज़ें घर में थी वही उसी चीज़ों से मैं कुछ तो क्रिएट करके खाने की कोशिश कर रही हूँ, एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ। और बाद में लैटस था घर में, ढेर सारा लैटस था तो उसको यूज़ करना ही था, तो थोड़ा लैटस डाला। ये है देखो, ठीक है। फिर स्पिनिश खराब होने लगा था तो मुझे लगा चलो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। सो डंडी नहीं डालनी है इसमें, दूसरे कुकिंग में डाल सकते हैं आप, खाली खाली लीफ लीफ, क्योंकि मुझे मैं चाहती हूँ कि हेल्दी भी हो, यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई डोंट नो, आप मुझे इनफ जानते हैं तो पता है कि मुझे वेजीज बहुत ही पसंद है, एकदम पागलों के जैसे पसंद है। जैसे लोगों को मूवीज़ कितना पसंद है, वो मूवीज़ तो मुझे पसंद ही है ऑब्वियसली, बट मुझे वेजीज बहुत ही बेहद पसंद है, हर तरह की वेजीज, करेला हो, स्पिनेच हो, जो भी है। ओके और मैंने यहाँ ककड़ी, टमाटर, कांदा सब काट के रख दिया है, तो वो सब भी मैं डाल रही है इसमें। और मिर्ची मैंने हालोपिनो डाला था, अभी देखते हैं इसमें मन होगा तो डालेंगे मिर्ची, नहीं तो नहीं डालेंगे। ऑल्दो मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है। ओके, कोथमीर तो, हाँ कोथमीर तो डालना है, थोड़ा कोथमीर डालना है, पर हम डेकोरेशन के लिए बाद में डालेंगे। अभी रिमेम्बर ये क्वारंटाइन कुकिंग है तो डेकोरेशन के लिए रखेंगे हम बाद में। मैं थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, हमारा अपना इंडियन मिर्ची पाउडर ही है ये। ओके, अगर और हाँ जिंजर, ये क्या बोलते हैं, गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। मैं थोड़ा डालने वाली हूँ आज, देखिए गार्लिक पाउडर है ये, देखिए थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बस। ओके, और कुरमुरा डालना है थोड़ा, मुमरा, क्योंकि बोलते हैं कि मतलब ये मील इन वन हो जाएगा। बीन्स है, वेजीज आ गया, सैलड आ गया और राइस आ गया इसमें। थोड़ा थोड़ा सिंगदाना भी था तो वो भी डाल दिया, देखिए सिंगदाना भी था, मूंगफली भी थी तो वो भी डाल दी उसमें, ठीक है। फिर हाँ सॉल्ट डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है मुझे, क्योंकि बॉइलिंग के टाइम भी मैंने डाला था, मैंने ब्लैक बीन्स को वापस बॉयल किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्टर अच्छा लगता है। और टमाटर, ककड़ी, कांदा, हाँ नींबू भी डालना है मुझे, नींबू डालना है, सीज अगर हो जाए तो निकाल लेना प्लीज। ओके, एक सीड आ गया तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके चलो निकाल लिया सीड को, राइट। फिर कुरमुरा डाला, ममरा या कुरमुरा क्या बोलते हैं इसको, ममरा क्यों डाला इसमें, क्योंकि एक तो प्रोबायोटिक है, चावल है जो ममरा है जो प्रोबायोटिक हो जाता है, और वो पेट के टमी के लिए अच्छा रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, वो प्रोबायोटिक है इसीलिए।
तो इसमें ब्लैक बीन्स भी आ गए, राइस भी आ गया और वेजीज भी आ गया. मील इन वन, खाली असेंबल करना है और खा लेना है, दैट्स इट. और मैंने ब्लैक बीन्स को यहाँ कुक डेफिनेटली किया है क्योंकि मुझे कैन का यूजुअली खाना नहीं चाहिए, पर अगर खाते हैं तो मुझे तो पर्सनली, मैं थरली वॉश करती हूँ 3-4 टाइम और ड्रेन करती हूँ अच्छे से, फिर उसको मैं कुक करती हूँ थोड़ा पानी डाल के और भी सॉफ्टर बनाती हूँ, बाद में ही खाती हूँ. अगर सॉल्ट डालना है कुकिंग के बॉइलिंग के वक्त तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है. एनीवे, तो और मेरे पास है ना थोड़ा ये पड़ा था, दही नहीं है. और मैं, आपको पता होगा शायद कि मैं डेरी फ्री ट्राई करती हूँ खाने का, पर इट हैपन टू बी कि मेरे पास थोड़ा सावर क्रीम, क्या बोलते हैं इसको, वेजी डिप था, थोड़ा अनियन डिप था, थोड़ा देखिए फ्रेंच अनियन डिप था, थोड़ा योगर्ट के जैसे ही होता है थोड़ा टेस्ट, तो वो मैं थोड़ा सा डाल के देखना चाहती हूँ क्या होता है. तो मोर लाइक ईस्ट मीट्स वेस्ट जैसा थोड़ा हो गया, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर. क्वारंटाइन कुकिंग है, ठीक है, ये डाल के देख रहे हैं. वैसे भी मुझे ऐसा सब खाना नहीं चाहिए ज़्यादा, पर कभी कभार हो जाता है. ओके, और फिर इसमें इस अपनी जो सेव होती है ना इंडिया की, वो हाँ, वेट, ये डालने के पहले बूंदी, थोड़ी बूंदी भी डालते हैं, मजा आएगा. थोड़ी सी बूंदी डाल दी इसमें और थोड़ी सी सेव. बराबर है ना, देखा देखा कितना ही हमें दिखता है अभी. आई डोंट नो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, पर मुझे मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये देखो कितना झटपट चाट हो गया. ब्लैक बीन्स है नीचे, लैटिस है तो हेल्दी हो गया, इस ये मील इन वन हो गया, मतलब बीन्स राइस आ गया इसमें, वेजीज आ गया और सैलेड आ गया इसमें, बराबर है ना, और विटामिन सी भी आ गया नींबू के कारण. सो मैं एकदम ही ऑब्सेस्ड हूँ वेजिटेरियन और हेल्दी फूड के लिए, मैं बहुत ही वेजिटेरियन फूड के लिए मैं बहुत ही पागल हूँ और हेल्दी फूड के लिए एकदम ही पागल हूँ. जहाँ भी स्पिनच हो, करेला हो, वेजीज हो, तो बड़ा मज़ा आ जाता है मुझे. देखिए आई डोंट नो आपको दिखता है कि नहीं, बट मैं जितना बने उतना मैं क्लोज ले रही हूँ, यू नो. देखिए और नीचे देखिए ऐसे दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट एनीवे देखिए अच्छा है ना. सो ऐसा नहीं है ओके, मतलब इंडियन ही परफेक्टली इंडियन ही होना चाहिए चाट. आप जिस चीज़ को चाट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. कोई भी बीन्स है उसको आप बीन्स है या वो क्या बोलते हैं सोया चंक्स है, ऐसी सब चीज़ों को आप उसका आइडिया करके आप कुछ भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं आपको जैसे चाहिए. आई अंडरस्टैंड वो ट्रेडिशनल इंडियन फूड नहीं है, बट अभी क्वारंटाइन चल रहा है, हमारे पास जो भी है घर में उसी से हमको गुजारा करना है, जितना बने उतना. बाहर जाने का, घड़ी घड़ी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए. और बेसिकली फार्मर्स के लिए भी ये है कि उनको भी बेचारों को कितना यू नो तकलीफ होता है. एनीवे, सो सभी लोग सेफ रहे और यू नो केयरफुल रहे. बाहर जाते हैं तो बिना कारण घड़ी घड़ी, अरे ये टमाटर रह गए, ये ककड़ी रह गई, मिर्ची रह गई, कोथम्बीर रह गई, कड़ी पत्ता रह गया, ये सब हम बाद में ले सकते हैं और बाद में खा सकते हैं. लाइफ पहले इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी था घर में उसी से काम गुजारा हमको चलाना है. ठीक है, जाना है तो मे बी वंस ईयर ट्वाइस अ मंथ ही जाना है घर के बाहर,
और जो और वो भी जिनको जिनको जाना पड़ रहा है वो ही उन्हीं लोगों के लिए, सभी के सभी को बाहर रोज़ रोज़ जाने का भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिनको जाना पड़े तो ठीक बात है, ज़रूरत पड़े उतना ही कीजिए प्लीज़, अदरवाइज आपका भी लाइफ और दूसरों का भी लाइफ आप डेंजर में डाल रहे हैं, ठीक है ना? ओके बाय। आई होप ये क्विक है, कुछ फील नहीं हो रहा था आज बनाने का, कुछ मन नहीं हो रहा था बनाने का, मैंने सोचा मैं एक सैलेड कम बीन सैलेड कम यू नो लेटस और सब डाल के ये बना लूँ, पर फिर चाट का भी मन हो रहा था तो मैंने सोचा सबका असेंबली करके देखती हूँ कैसा टेस्ट होगा, मुझे पता है अच्छा ही होगा क्योंकि मुझे ऐसा सब अच्छा लगता है। बट एनी वे आई होप आपको सबको पसंद आए, ये क्वारंटाइन कुकिंग है मेरे लिए और मैंने जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती है उसको असेंबल की है और उसमें से मैंने ये सिंपल बेसिक यू नो चाट जैसा बना लिया है। ओके आई होप आप सबको पसंद आया हो यू नो और थोड़ा एनकरेजमेंट मिले आपको कि हिम्मत रखे कुछ भी असेंबल करके देखिए, टेस्ट ही होगा, अगर इंग्रेडिएंट्स आपके पास है घर में स्पेशली तो बना के देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। ओके बाय सभी को, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय सभी को, बाय।